नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 500 किलो ड्रग्स जब्त। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को लॉरेंस गैंग से खतरा, अलर्ट पर तिहाड़ जेल प्रशासन। मुंबई बीकेसी मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर लगी आग, अस्थायी रूप से बंद की गई सेवाएं। यूपी लोक सेवा आयोग ने किया पीसीएस एग्जाम की तारीख का ऐलान, 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी, कुछ देर के लिए देवघर हवाई अड्डे पर रुकना पड़ा। महाराष्ट्र के हिंगोली में हुई अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग। हरियाणा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, दो इनामी बदमाशों को लगी गोली, कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पर की थी लूट। फडणवीस बोले, अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अमृतसर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क पकड़ा, सरहद पार से आई 60 करोड़ से अधिक की ड्रग्स, महिला सहित 3 गिरफ्तार। पंजाब उपचुनाव में सारे बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग, निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, मतदान केंद्रों पर चौकसी बढ़ाने के दिए आदेश। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।